जय हिंद। एसडीएम ज्योति मौर्या से अवैध संबंध रखने के मामले में कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड हो गए हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में आलोक मौर्या ने अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्या और कमांडेंट मनीष दुबे पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि घर से उनकी पत्नी निकलती थी दफ्तरी मीटिंग का बहाना लगाकर, पर कमांडेंट मनीष दुबे के साथ होटलों में रंगरलियां मनाया करती थी। मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद दो अलग अलग स्तर पर जांच शुरू हुई, एक प्रशासनिक स्तर पर, दूसरा मनीष दुबे के विभाग होम गार्ड के स्तर पर। कमांडेंट मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्या दोनों ही उत्तर प्रदेश की स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, एक पुलिस अफसर है और दूसरी प्रशासनिक अधिकारी है। अब इन दोनों को लेकर लगातार मीडिया में सुर्खियां बन रही थी, पर जब से आलोक मौर्या ने बयान बदला तब से कहा जाने लगा कि शायद ज्योति मौर्या के सिर से तलवार हट गई है। वहीं दूसरी तरफ कमांडेंट मनीष दुबे के करियर को लेकर तरह तरह के सवाल मीडिया में और लोगों के बीच उठाए जा रहे हैं कि क्या वो अब अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे या फिर सस्पेंशन के बाद उनका डिसमिसल होगा। जय हिंद। लंबे समय खबरों में बने रहने के बाद कमांडेंट मनीष दुबे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम ज्योति मौर्या के पति ने अपनी स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया, पर दूसरी तरफ कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच लगातार चल रही थी, जिसमें कि अनुशंसा की गई, रेकमेंड किया गया कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए जैसे ही वीडियो को देखें फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और साथ में अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं कि आखिर तक आप इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये वीडियो है ही इतनी दिलचस्प। अब ये केस है बरेली में उस समय तैनात एसडीएम ज्योति मौर्या का, जिनके ऊपर उनके पति आलोक मौर्या ने कई तरह के आरोप लगाए और साथ में यह भी कहा कि उनके अवैध संबंध हैं कमांडेंट मनीष दुबे के साथ, जो कि महोबा में तैनात है। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। ज्योति मौर्या के पति ने ना सिर्फ अवैध संबंधों का आरोप लगाया था बल्कि साथ में यह भी कहा था कि दोनों ने साथ में मिलकर भ्रष्टाचार किया, और ना सिर्फ यह किया बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली। जैसे ही आलोक मौर्या ने मीडिया में यह बयान दिया उसके बाद पूरे देश भर में मीडिया क्या, सोशल मीडिया क्या, हर जगह बवाल हो गया। दोनों पर तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे। अब दोनों पर आरोप था इसलिए कार्रवाई भी दोनों पर अलग अलग स्तर पर होनी थी। ज्योति के मामले में शासन ने 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया। अपर आयुक्त, एडीएम, एसडीएम उस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने हर पहलू से जांच की। एक एक आरोप जो आलोक मौर्या ने लगाया था उसकी जांच की जा रही थी, पर इस बीच अचानक से ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या अपना बयान देने से ही इनकार कर देते हैं। वो मीडिया में कहते हैं कि मुझे ज्योति मौर्या के बारे में कुछ नहीं कहना। यही बात वो इस कमेटी के सामने जाकर भी कह देते हैं, इसलिए जो जांच है वो इस पूरे मामले से प्रभावित हो जाती है। पहले कहा जा रहा था कि ज्योति मौर्या पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद अब मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा क्योंकि पति ने ही इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कुछ भी कहने से इनकार यानी मेरा अब ज्योति पर कोई आरोप नहीं है। अब इस मामले में एक तरह से यह लग रहा है कि ज्योति मौर्या तो बच गई, पर जो दूसरी जांच चल रही थी वो चल रही थी कमांडेंट मनीष दुबे के ऊपर। मनीष दुबे के मामले में होमगार्ड डिपार्टमेंट में जांच शुरू हुई और यह जांच दी गई डीआईजी होमगार्ड को। उन्होंने अपने लेवल पर जांच की, मनीष दुबे को बुलाया, इसके साथ ही ज्योति मौर्या को भी बुलाया गया। जब ज्योति मौर्या को बुलाया गया तो उन्होंने सीधा डीआईजी से ही कथित तौर पर सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं बुला सकते हैं, अगर किसी भी मामले में मेरा पक्ष लेना होगा तो मेरा शासन, मेरा डिपार्टमेंट लेगा। इसके बाद मनीष दुबे से समय समय पर सवाल जवाब हुए और एक एक आरोप की जांच हुई। अब कुल मिलाकर जो पब्लिक में आया वो 3 तरह के आरोप मोटे तौर पर निकल कर आए। पहला आरोप अवैध संबंध का, किसी की पत्नी के साथ अपनी पत्नी को छोड़कर संबंध बनाना। दूसरा भ्रष्टाचार का,
आलोक मौर्या ने कहा कि मेरी पत्नी और मनीष दुबे ने मिलकर भ्रष्टाचार भी किया है। तीसरा बड़ा आरोप कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है, यानी जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी मनीष दुबे पर लगा। लंबी जांच चलने के बाद डीआईजी ने अपनी जांच में मनीष दुबे पर कार्रवाई की रिकमेंडेशन दे दी। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक होमगार्ड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शासन से कार्रवाई के निर्देश मिले, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही एक और विभागीय जांच खोलने का फैसला भी लिया गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मनीष दुबे की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि आलोक मौर्य की शिकायत पर मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब डीआईजी के द्वारा अपनी रिकमेंडेशन दिए जाने के बाद ना सिर्फ मनीष दुबे को सस्पेंड किया गया बल्कि डिसिप्लिनरी कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। अब मनीष को लखनऊ में होमगार्ड के हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया है, यानी उन्हें अब सैलरी आधी मिलेगी और होमगार्ड के हेडक्वार्टर में वो रोज रिपोर्ट भी करेंगे। वैसे सस्पेंशन को कानूनी भाषा में लीगल टर्मिनोलॉजी में कोई सजा नहीं माना जाता। अगर लीगल टर्मिनोलॉजी में देखें तो सस्पेंशन फ्रॉम सर्विस कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज पनिशमेंट, इट इज ओनली एन इंटरिम अरेंजमेंट टू कीप द पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरीज इन द फेयर मैनर। यानी कि सस्पेंशन को सजा नहीं कहा जा सकता, ये तो बस एक तरीका है पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोकने का, ताकि जो भी जांच चल रही है उसे सही तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके। बहरहाल ये मामला एक स्टेट के सिविल सर्वेंट का है, मनीष दुबे का है, इसलिए समझना होगा कि एक स्टेट के सिविल सर्वेंट को आखिर डिसमिस कैसे किया जा सकता है या उसे लेकर क्या प्रक्रिया है, क्योंकि लगातार सस्पेंशन के बाद उनके करियर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट्स के बारे में संविधान में बात करता है। आर्टिकल 311 का सबसेक्शन 1 अगर देखें तो उसमें लिखा है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईदर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू द वन दैट अपॉइंटेड हिम और हर। यानी कि जिस भी अथॉरिटी के द्वारा उस अधिकारी को अपॉइंट किया गया है उससे सबॉर्डिनेट यानी छोटी अथॉरिटी उसे डिसमिस या रिमूव सर्विस से नहीं कर सकती। अब स्टेट सिविल सर्वेंट्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, इसलिए उन्हें रिमूव भी गवर्नर ही कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 311 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि किसी भी ऑल इंडिया सर्विस या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट को उसका पक्ष रखे बिना या इंक्वायरी के बिना या चार्ज बताए बिना नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी भी सिविल सर्वेंट पर कोई इल्जाम लगता है तो उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, वो जांच करेगी और उससे पहले उस अधिकारी को बताना होगा कि उसके ऊपर कितने चार्ज लगाए गए हैं, उसका पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद इस मामले में आदेश दिया जाएगा। अब ये समझते हैं कि आखिर आर्टिकल 311 के तहत प्रोटेक्शन किसे किसे दी गई है। देखिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उन्हें दी गई है, साथ में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी, वो ऑल इंडिया सर्विस के माने जाते हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी स्टेट में या केंद्र में किसी भी सिविल पोस्ट पर तैनात अधिकारी इसमें इंक्लूडेड है। वहीं आर्टिकल 311 डिफेंस पर्सोनल पर लागू नहीं होता, यानी आर्मी पर लागू नहीं होता। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बिना इंक्वायरी के भी अधिकारी को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 311 का सबसेक्शन 2 और उसका पार्ट ए क्या कहता है, अगर अदालत ने किसी अधिकारी को सजा दे दी है तो उसे सीधे टर्मिनेट किया जा सकता है, इंक्वायरी की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा है आर्टिकल 311 का सबसेक्शन 2 का पार्ट बी, अगर गवर्नर को लगे कि इंक्वायरी रीजनेबली प्रैक्टिकल नहीं है तो भी उस अधिकारी को सीधे टर्मिनेट किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। तीसरा, आर्टिकल 311 का सबसेक्शन 2 और पार्ट सी वो कहता है कि गवर्नर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट किसी भी अधिकारी को नौकरी से डिसमिस या रिमूव कर सकते हैं, वहां पर भी इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल है साल 2021 का, जम्मू कश्मीर में एक एसटीएफ का गठन हुआ। इस एसटीएफ ने एक एक अधिकारी के बारे में ध्यान से एनालिसिस किया जिनको आर्टिकल 311 के सबसेक्शन 2 के पार्ट सी के तहत हटाया जाना था। अब कुल मिलाकर जो एनालिसिस किया गया उसके तहत 2 से लेकर 3 टीचरों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
वहीं केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर सख्त नीति अपनाई हुई है। पीरियोडिक रिव्यू अधिकारियों का किया जाता है, उसका एक प्रोसीजर है। अगर कोई अधिकारी 50-55 साल की उम्र पूरी कर लेता है या 30 साल की नौकरी पूरी कर लेता है, और अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो नौकरी के लायक नहीं है, तो पीरियोडिक रिव्यू में उसे कंपल्सरी रिटायर करके घर भेजा जा सकता है। बहरहाल रिपोर्ट इन फैक्ट्स के मुताबिक कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड करके शासन ने सख्ती दिखाई है, पर आगे भी उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। जय हिंद।